वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं और आलोक कुमार आपको स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा कटिंग लेंथ ऑफ स्टिरप्स एज पर आईएस 2502-1963। ये रिफॉर्म्ड है 2004 का। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, जूम करके लेके आइए यहाँ। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे दो फिगर बना रखा है, एक फिगर वन है और एक फिगर टू है। बेसिकली ये स्टिरप्स का साइज है। इसमें जो डायमेंशन लिया हुआ है अंदर से अंदर, स्टिरप्स के अंदर से अंदर, और इसमें जो डायमेंशन लिया हुआ है स्टिरप्स के बाहर से बाहर। ये ध्यान देने वाली बात है, ये IS 2502-1963 की अकॉर्डिंग है। इसमें मैंने नॉमिनल डाया ओपर 8 mm लिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे। क्लियर कवर 40 mm लिया हुआ है, और ये इसका जो नाम मैंने दिया हुआ है एक्चुअल साइज ऑफ रेक्टेंगुलर मेंबर्स। इसका मेन पर्पस क्या है कि आप इसको कॉलम भी बोल सकते हो, बीम भी बोल सकते हो, या फिर किसी भी फुटिंग का साफ्ट हो सकता है, पियर साफ्ट हो सकता है, इटीसी, कुछ भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से। इसमें मैंने क्लियर कवर 40 mm लिया हुआ है, आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो, 30 mm, 50 mm, जो भी आपके स्पेसिफिक ड्राइंग में अवेलेबल रहेगा। ठीक है जी। इसमें एक्चुअल साइज ऑफ रेक्टेंगुलर मेंबर, ये शेप जो रेक्टेंगुलर है शेप के ऊपर ना जाए, इसमें कोई स्केलिंग नहीं किया हुआ है, ऐसे जस्ट फिगर बनाया हुआ है। 350 mm इंटू 450 mm यही साइज है, और सेम इसका भी सेम साइज है। इसमें अंतर यही है, स्टिरप्स के बाहर से बाहर लिया हुआ है और इसमें स्टिरप्स के अंदर अंदर डायमेंशन लिया हुआ है। दोनों डायमेंशन से सेम फार्मूला में हम कटिंग लेंथ निकाल के बताएंगे आपको। चलिए शुरू करते हैं। फार्मूला ऑफ कटिंग लेंथ फॉर रेक्टेंगुलर मेंबर्स, बार बार मैं बता रहा हूँ, मैंने मेंबर्स लिया हुआ है, ना ही ये कोई बीम है, ना ही कोई कॉलम है, कुछ नहीं है, जस्ट मेंबर है। तो जैसे आपको पता है रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला जो होता है 2 × L + B, सेम उसी हिसाब से लिया हुआ है 2A + B + 24D एज पर आई एस ए, जिसमें डी इज ए डाया ऑफ नॉमिनल बार। ठीक है दोस्तों, मैंने वैल्यू पुट किया हुआ है 354 हमारा क्या है, यहाँ पे दिखाइए 354 है, और दूसरा साइज हमारा यहाँ पे आ रहा है 254। ये स्टिरप्स के अंदर से अंदर का हमारा डायमेंशन है। ठीक है दोस्तों, ये 354 को प्लस किया यहाँ पे, और 24 × 8 को मल्टीप्लाई किया, ये हमारा लास्ट में 1408 mm आ रहा है। इसको मीटर में कन्वर्ट किया है 1.408। सेम थिंग्स है यहाँ पे इसके लिए, नॉमिनल डाया ऑफ बार है 8 mm है, क्लियर कवर 40 mm है, एक्चुअल साइज ऑफ रेक्टेंगुलर मेंबर का हमारा सेम है 350 mm टू 450 mm है, फॉर्मूला सेम मैंने पुट किया यहाँ पे, लेकिन इसके लिए 16D लिया हुआ है, क्योंकि ये दोनों में अंतर क्या है, हमने यहाँ पे स्टिरप्स के अंदर से अंदर का डायमेंशन लिया हुआ है, यहाँ पे स्टिरप्स के बाहर से बाहर का डायमेंशन लिया हुआ है, कवर हमने यहाँ पे 40 mm लिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसका भी कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, तो सेम लास्ट में हमारा 1408 mm आ रहा है, यहाँ पे भी मीटर में कन्वर्ट किया 1.408 meter। ठीक है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने बता रहा हूँ मैं आपको, ये जो हुक है ना हमारा, एक्चुअली ये 135 degree बैंड है इसका, तो 135 degree के लिए 24D दो हुक है, हम कंसीडर करेंगे वन हुक के लिए 12D,
और 90 डिग्री हुक के लिए 20D, अगर हम 90 डिग्री हुक बनाते हैं तो हम उसके लिए 20D कंसीडर करेंगे आपके ड्राइंग में। अगर 90 डिग्री है तो उसके हिसाब से आप 20D के हिसाब से इसका कैलकुलेशन यहाँ पे सेम फॉर्मूला के साथ पुट करके आप निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको आपके दिमाग में ये चीज़ आ रहा होगा कि बैंड डिडक्शन, एक्चुअली IAS कोड की कोडिंग बैंड डिडक्शन नहीं होता है, कहीं पे भी मेंशन नहीं किया होगा, लेकिन अगर हम लोग प्रैक्टिकल अगर देखें तो बैंड डिडक्शन करना अनिवार्य है, क्योंकि एलोंगेशन होता है, जब भी हम कोई बैंड करते हैं तो एलोंगेशन होता है। तो एज पर प्रैक्टिकल एक फॉर्मूला है जो भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं बैंड डिडक्शन का, 8mm डाया तो 16mm डाया के लिए 40 डिग्री अगर हम बैंड कर रहे हैं तो 1D, 90 डिग्री अगर बैंड कर रहे हैं तो 2D, अगर हम 135 डिग्री बैंड कर रहे हैं तो उसके लिए 3D है। सेम 20mm तो 32mm अगर डाया बार यूज कर रहे हैं बैंड के लिए, तो 45 डिग्री के लिए 2D, 90 डिग्री के लिए 3D और 135 डिग्री के लिए 4D है। तो जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारा फॉर्मूला है, लेकिन ये जो फॉर्मूला है बिल्कुल इजियर है। यहाँ पे मैंने जो शेप बनाया हुआ है वो स्टिरप्स का शेप है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर हम लोग विद कंक्रीट अगर इसको लें तो इसका शेप ऐसे बन सकता है। ठीक है जी, ये भी कवर है इधर 40mm, इस साइड भी 40mm और इस साइड भी 40mm। तो दोस्तों ये सबसे इजी फॉर्मूला है एज पर IAS। तो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में पूरा कोशिश किया एक्चुअल एज पर IAS कोड किसी भी रेक्टेंगुलर स्टिरप्स का कटिंग लेंथ निकालने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।